देखिए, मेरे कटौती प्रस्ताव थे रेलवे की डिमांड पे, और मैं रेल मंत्री जी को कुछ राजस्थान की डिमांड की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता था, और उन्होंने बड़ी बदतमीजी की, मेरी तरफ इशारे करके कहा आप बाहर जाइए, आपको देख लूंगा, ये कर लूंगा, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और कल भी जब हम इस पर बात कर रहे थे तो उनका जो व्यवहार था वो सांसदों के प्रति ठीक नहीं था। ये बहुत बड़ा बदतमीज मंत्री है, और मैं धन्यवाद दूंगा इंडिया एयरलाइंस के, तमाम हमारे इंडिया एयरलाइंस को, कि इन्होंने इस बात को लेकर वेल में जोरदार बदतमीज मंत्री का विरोध किया। ये मनुष्य है, जब से रेल मंत्रालय इसके हाथ में आया है लगातार ट्रेन दुर्घटनाएं बढ़ रही है, और जब कोई व्यक्ति सोता है रेल के अंदर उसको नींद नहीं आती कब रेल पट्टी से उतर जाए, वो इसी विचारों के अंदर रहता है। ये हमने बात रखी थी, आज मेरे कटौती प्रस्ताव चूंकि इस पर दिए हुए हैं, और ये हमारा राइट है कि कटौती प्रस्ताव के अंदर हम बोल सकते हैं, उस कटौती प्रस्ताव की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन इसने मेरे साथ बदतमीजी की, ये ठीक नहीं। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त करें, और इंडिया एयरलाइंस ने जोरदार ढंग से इसका विरोध किया, और इसका जो वक्तव्य था वो ठीक नहीं था। ये एमपीज के कागजों का जवाब नहीं देता, एमपीज को मिलने का टाइम नहीं। सत्ता पक्ष के सांसद भी ज्यादातर खुश थे कि इसका सही इलाज आज रेल मंत्री का हुआ है, और इंडिया एयरलाइंस को मैं धन्यवाद दूंगा कि आज सब लोगों ने मिलकर इस रेल मंत्री का जो गलत वक्तव्य था, जिस तरह गंदा बोल रहा था कैबिनेट मिनिस्टर दूसरी बार का, चूंकि ये जनता के बीच रहने वाले लोग नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट्स है, और दुर्भाग्य से मोदी जी की सरकार को ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र है। इस बात को लेके हमने वॉकआउट किया, और मैंने भी मेरा विरोध प्रदर्शन किया, अध्यक्ष जी से मैंने संरक्षण मांगा, अध्यक्ष जी आप हमें संरक्षित करें, मुझे धमका रहा है, मुझे देख लेने की धमकी दे रहा है, मुझे बाहर जाने का कह रहा है लोकसभा के अंदर, ये इसको अधिकार नहीं। लोकसभा अध्यक्ष हमें बाहर निकाल सकता है, हिमाचल से निकलवा सकता है, रेल मंत्री को कोई, हम भी जीत का है, और जो जीत का आता है वही ये सदन हमारे लिए बना है। ये बहुत बड़ा बदतमीज मंत्री है, इसके इस्तीफे की मांग हम लोग कर रहे हैं। देखिए, मेरे कटौती प्रस्ताव थे रेलवे की डिमांड पे, और मैं रेल मंत्री जी को कुछ राजस्थान की डिमांड की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता था, और उन्होंने बड़ी बदतमीजी की, मेरी तरफ इशारे करके कहा आप बाहर जाइए, आपको देख लूंगा, ये कर लूंगा, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और कल भी जब हम इस पर बात कर रहे थे तो उनका जो व्यवहार था वो सांसदों के प्रति ठीक नहीं था। ये बहुत बड़ा बदतमीज मंत्री है, और मैं धन्यवाद दूंगा इंडिया एयरलाइंस के, तमाम हमारे इंडिया एयरलाइंस को, कि इन्होंने इस बात को लेकर वेल में जोरदार बदतमीज मंत्री का विरोध किया। ये मनुष्य है, जब से रेल मंत्रालय इसके हाथ में आया है लगातार ट्रेन दुर्घटनाएं बढ़ रही है, और जब कोई व्यक्ति सोता है रेल के अंदर उसको नींद नहीं आती कब रेल पट्टी से उतर जाए, वो इसी विचारों के अंदर रहता है। ये हमने बात रखी थी, आज मेरे कटौती प्रस्ताव चूंकि इस पर दिए हुए हैं, और ये हमारा राइट है कि कटौती प्रस्ताव के अंदर हम बोल सकते हैं, उस कटौती प्रस्ताव की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन इसने मेरे साथ बदतमीजी की, ये ठीक नहीं। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त करें, और इंडिया एयरलाइंस ने जोरदार ढंग से इसका विरोध किया, और इसका जो वक्तव्य था वो ठीक नहीं था। ये एमपीज के कागजों का जवाब नहीं देता, एमपीज को मिलने का टाइम नहीं। सत्ता पक्ष के सांसद भी ज्यादातर खुश थे कि इसका सही इलाज आज रेल मंत्री का हुआ है, और इंडिया एयरलाइंस को मैं धन्यवाद दूंगा कि आज सब लोगों ने मिलकर इस रेल मंत्री का जो गलत वक्तव्य था, जिस तरह गंदा बोल रहा था कैबिनेट मिनिस्टर दूसरी बार का, चूंकि ये जनता के बीच रहने वाले लोग नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट्स है, और दुर्भाग्य से मोदी जी की सरकार को ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र है। इस बात को लेके हमने वॉकआउट किया, और मैंने भी मेरा विरोध प्रदर्शन किया, अध्यक्ष जी से मैंने संरक्षण मांगा, अध्यक्ष जी आप हमें संरक्षित करें, मुझे धमका रहा है, मुझे देख लेने की धमकी दे रहा है, मुझे बाहर जाने का कह रहा है लोकसभा के अंदर, ये इसको अधिकार नहीं। लोकसभा अध्यक्ष हमें बाहर निकाल सकता है, हिमाचल से निकलवा सकता है, रेल मंत्री को कोई, हम भी जीत का है, और जो जीत का आता है वही ये सदन हमारे लिए बना है। ये बहुत बड़ा बदतमीज मंत्री है, इसके इस्तीफे की मांग हम लोग कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।